हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और वो है मेरी शॉपिंग जो मैंने अपने गार्डन के लिए की है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ प्लांटर्स बाय किए हैं जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ विद प्राइस। तो चलते हैं, देखते हैं मैंने कौन कौन से न्यू प्लांटर बाय किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, और ये है बकेट फुल शॉपिंग। तो मैंने ये पूरा टब भर के एक प्लांटर ख़रीदा है, और जस्ट जोकिंग फ्रेंड्स। तो मैंने ये एक बहुत बड़ा सा टब अपने लोटस प्लांट के लिए लिया है, और देखिए इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा सा टब लिया है अपने वाटर लिली के लिए। और इसके अलावा मैंने कौन कौन से प्लांटर ख़रीदे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने कुछ इस तरीके के ट्रेज लिए हैं, और फ्रेंड्स विंटर आ रहा है और हमें अपने गुलदाउदी की भी बहुत सारी कटिंग लगानी है। तो मेरे पास सिर्फ दो ही इस तरीके के टब थे, और एक में मैंने सीडलिंग कर दिया था और एक में कुछ अपने गुलदाउदी की कटिंग लगा दी थी। तो मेरे पास टब नहीं थे, तो मैंने ये कुछ टब ख़रीदे हैं फ्रेंड्स। और ये मुझे 75 रुपीज़ उसने बताया था, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद 60 रुपीज़ में उसने मुझे ये टब दिए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है ये हमारे सीडलिंग के लिए भी, और कटिंग वगैरह ग्रो करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। गुलदाउदी के कटिंग को अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके के एक टब में भी आप बस आपको इसमें कुछ होल्स बनाने हैं और आप इसमें अपनी कटिंग लगाइए, और काफ़ी अच्छे से इसमें कटिंग भी ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके के 3 टब लिए हैं जो इसे ट्रे कहते हैं। ये मैंने ट्रे लिए हैं, और फ्रेंड्स ट्रे गार्डन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। मैंने ट्रे गार्डन भी आपसे शेयर किया है, तो अगर आप ट्रे गार्डन बनाना चाहें तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्लांटर है। और जो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैंने जो लिया है, ये देखिए, ये अडेनियम ट्रे लिया है मैंने अपने अडेनियम के प्लांट्स के लिए। तो मेरे कुछ अडेनियम के प्लांटर्स जो हैं वो बिल्कुल ब्रोकन हो गए थे, मैंने उन्हें मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ था, तो उनके लिए मैंने ये प्लांटर लिया है। तो फ्रेंड्स, अडेनियम वगैरह के लिए ये प्लांटर काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे 100 रुपीज़ में उसने मुझे 150 रुपये बताया था, लेकिन फिर उसने मुझे 100 रुपीज़ में ये दे दिया। तो ये 100 रुपीज़ का है, और ये काफ़ी स्पेस भी है, आप इसमें देखिए, तो काफ़ी अच्छा प्लांटर है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने ये एक हैंगिंग प्लांटर लिया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़बूत और टिकाऊ भी है। ये देखिए, ये काफ़ी, और काफ़ी इसमें अंदर से स्पेस भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ये देखिए इस तरीके का हम मुझे अलग से एक टब मिला है। तो इससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब मैं इसे हैंग करूँगी, और जब भी मुझे अपने प्लांट चेंज करने हैं समर और विंटर में, जब भी मुझे प्लांट चेंज करने हैं, तो बस मुझे ये ऊपर वाला टब निकाल के जस्ट इसमें मैं गुड़ाई भी कर सकती हूँ समय समय पे, ये प्लांटर निकाल कर, और प्लांट वगैरह भी चेंज कर सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छा है ये इस तरीके का, ये देखिए। और इसके संग जो चेन है वो भी काफ़ी अच्छी और मज़बूत टिकाऊ है। और फ्रेंड्स, ये मुझे लगभग 150 रुपये का पड़ा, और इसमें का मैंने 4 पीस लिया है 4 कलर में। तो ये देखिए, एक येलो में, और एक ये रेड में, और एक ये ग्रे कलर में मैंने लिया है, और ये एक ग्रीन कलर में लिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांटर है, 150 रुपये में मुझे ये मिला, और काफ़ी देखिए बिल्कुल स्पेस भी कितना है, कितना बड़ा है ये, और इसमें काफ़ी अच्छे से मेरे प्लांट चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी, हाँ विंटर में जब मुझे पिटूनिया वगैरह ग्रो करना होगा तो इसमें मैं ज़रूर लगाऊंगी। और मुझे ये अच्छा दिख गया, इसलिए मैंने ये बाय कर लिया, और काफ़ी अच्छा है और हैवी भी है काफ़ी। तो फ्रेंड्स, ये मुझे 150 रुपये में मिला मेरा ये प्लांटर हैंगिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने ये एक स्प्रेयर लिया है,
और बिल्कुल इस समय पेस्ट अटैक वगैरह काफ़ी होते हैं, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र फोलियर स्प्रे के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया। नेक्स्ट ट्रेंड्स आ जाते हैं अपने सुंदर सुंदर प्लांटर्स की ओर। तो ये देखिए, मैंने कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर ये अपने क्ले पॉट्स लिए हैं। ये देखिए, और ये क्ले पॉट्स मेरे पास ऑलरेडी भी थे, पहले भी थे, और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, सेम मेरे पास एक पहले भी है, तो मैंने उसका जोड़ा लिया है, ये वाला एक वहाँ पे भी है और उसका मैंने ये जोड़ा लिया है। और भी मैं आपको वो शो करती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी मैंने एक जोड़ा लिया है, मेरे पास ये एक ऑलरेडी था ये वाला, और मैंने एक और लिया है बिल्कुल, इसका जोड़ा यहाँ पे मैं रखूँगी, इसलिए मैंने जोड़ा ये इसको भी लिया है। और एक ये मेरा कछुआ प्लांटर है, दो, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो फ्रेंड्स ये मेरे क्ले पॉट्स हैं, और ये मुझे लगभग 150 में, ये तीनों बड़े वाले 150 में मिले हैं, और ये वाला मेरा 100 रुपीज़ का है। ये चार मैंने क्ले पॉट्स लिए हैं। और अब फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने सिरेमिक पॉट्स पे। तो ये देखिए, मैंने कुछ सिरेमिक पॉट्स भी लिए हैं, और ये एक कप प्लांटर है, और भी मैं आपसे शो करती हूँ। मैं पहले से ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने दो जो है ये कप प्लांटर लिए हैं बिल्कुल, और इसमें काफ़ी अच्छा होल भी है, इसमें मुझे होल करना नहीं पड़ेगा। और ये जो मेरे ये क्ले पॉट्स हैं, इसमें मुझे होल बनाना पड़ेगा, तो कोई भी पेचकस की मदद से इसमें बहुत ही इजीली होल हो जाता है, मैंने पहले भी किया है। और ये सिरेमिक वाले जो मैंने ये लिए हैं दो कप, और ये मैंने दो मेरे हंस के जोड़े लिए हैं, ये देखिए, ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, दो मैंने ये डक लिया है, और एक मैंने ये फोर फेस प्लांटर लिया है, ये देखिए, ये चारों ओर से बिल्कुल सेम दिखता है, फोर फेस प्लांटर है ये, और ये भी काफ़ी बिग साइज़ में है, काफ़ी अच्छा है ये। तो अब फ्रेंड्स मैं इसका रेट भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो ये वाले जो हैं मुझे 150 के मिले हैं, तो 300 का ये मेरा पेयर है, 300 में, और सेम प्राइस इसकी भी है, 300 का पेयर है। उसने मुझे 250 और 250 बताया था, लेकिन फिर बार्गेनिंग करने के बाद उसने मुझे ये 150 में दे दिया ये वाला। और जो ये वाला है उसने मुझे लगभग 450 रेट बताया था इसका, लेकिन उसने फिर मुझे बार्गेनिंग करके 300, 350 में मुझे उसने ये प्लांटर दे दिया है। तो फ्रेंड्स ये मेरी कुछ शॉपिंग है मेरे गार्डन के लिए, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये बिल्कुल बकेट फुल शॉपिंग, मेरे प्लांटर कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और कौन सा प्लांटर आपको सबसे अच्छा लगा वो भी मुझे बताइएगा। और मैंने आपसे रेट भी सभी के शेयर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप यू आर एंजॉयिंग माई वीडियोज़। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, बाय।